संतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। x² 2 + 3x³ x³ है, यहां से हम करेंगे क्या समाकलन लेने पर। तो सबसे पहले समाकलन लेते हैं हम, समाकलन लेने पर तो समाकलन लेते हैं तो आपके पास i = यहां पर इंटीग्रेशन आप x² 2 + 3x³ और यहां पर आया q, यहां से समाकलन लेंगे तो आएगा dx। हम करते क्या है कि यहां से हमने क्या किया, माना 2 + 3x³ और = कितना t, यहां से इसको t के बराबर मानते हैं तो आपके पास आया क्या x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 * 9 और x 3 में से गया 2 = इसका 0 आया, यहां पर हो गया dt / dx। dx को इधर करिए x² dx, यहां पर 9 है, 9 को करिए क्या dt/9, 9 हो गया। यहां पर हो गया i = x² dx बराबर हो गया dt/9 और यहां पर इसके स्थान पर क्या रखेंगे t, 1/t³, यहां पर है dt/9 और यहां से 9 को कॉमन करिए, यहां पर हो जाएगा t^-3 और dt। आप फार्मूला लगाएंगे 1/t और t^ इसका क्या होता है t^-3 + 1 / -3 + 1 और क्या हो जाएगा प्लस कितना c, यहां पर होगा 1/9 t^-2 / -2 और प्लस कितना c। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो 9 × 18 माइनस हो जाएगा तो -1/18 और t^ देखिए यहां पर माइनस है, इसको ले जाएंगे नीचे तो हो जाएगा 1/t² प्लस कितना c और इसका मान क्या होगा आपके पास कि 18 और t का मान क्या है 2 + 3x³ 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने देखा क्या कि हम यहां से इसको क्या करते हैं, मानते हैं t के बराबर और उसी का अवकलन करने के पश्चात मान को बदलकर समाकलन कर लेते हैं। तो यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको वीडियो को नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 क्या है, 1/t में x और यहां पर है log x^m, यहां से इतना हम करेंगे क्या समाकलन करने पर। समाकलन अगर हम करते हैं तो आपके पास आया कितना i = ∫ 1/x और log x^m dx, ठीक है। यहां से इसके बाद आपके पास क्या मिला कि यहां से इसके बाद आपको मिलेगा क्या कि हम करते हैं माना log x बराबर हम मानते हैं t और इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो आपके पास आएगा 1/x dx = dt, 1/x dx बराबर रखेंगे dt और यहां पर हो जाएगा 1/log x^m क्या रखना है t और t^m यहां पर है क्या dt, m को हम अगर ऊपर करते हैं तो t^-m और dt है। आप फार्मूला यूज करिए क्या होता है t^-m + 1 और / -m + 1 प्लस कितना c, यहां पर आपके पास i = 1/5 कितना आ गया 1 को पहले लिख लीजिए 1 - m और यहां पर t का मान कितना है log है log x^-m + 1 और प्लस कितना c, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां से आपके पास मिला क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है 1/x log x^m, इसको हमने log x मानकर t = किया और उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो यदि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी वीडियो को देख पाए। आइए आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन।
आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन यहां पर है 5 माइनस 4x स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर कितना है 9 माइनस 4x स्क्वायर। सबसे पहले हम करेंगे क्या समाकलन लेने पर समाकलन लेते हैं तो आपके पास हो गया i is equal to integration x upon 9 minus 4x square हो गया dx। यहां पर आपके पास क्या होगा कि हमने माना 9 minus 4x square is equal to कितना t और यहां पर x के सापेक्ष समाकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष समाकलन x के सापेक्ष यदि हम समाकलन करते हैं तो यहां पर यह 0 हो जाएगा यह 4 गुणी 8 x is equal to क्या होगा dt बटा में dx इधर करिए x dx हो जाएगा और यहां पर dt बटा में minus 8 होगा ठीक है। अब यहां पर minus 8 हुआ यहां पर हम करेंगे क्या कि i is equal to x dx का मान dt बटा में 8 1 upon इसका मान रखेंगे t यहां पर होगा कितना dt बटा में minus 8 माइनस 8 वन अपान ए यहां पर इसका मान आप जानते हैं होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस कितना सी आप माइनस 1 अपान 8 यहां पर आप जानते हैं लॉग और लॉग टी का मान कितना है 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां से हमने देखा क्या कि यहां पर आपको 15 क्वेश्चन कि सबसे पहले हमने हर को माना t के इक्वल टू और उसके पश्चात उसका आकलन किया आकलन करने के पश्चात मान को रख के हमने क्या किया आंसर को प्राप्त कर लिया। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। e की पावर 2x plus 3 हम क्या करेंगे सबसे पहले समाकलन लेते हैं तो समाकलन करने पर समाकलन करते हैं तो आपके पास आया i is equal to e की पावर 2x plus 3 और dx यहां पर आया कितना हम क्या करेंगे 2x plus 3 बराबर क्या t 2x plus 3 बराबर हम करेंगे t और यहां पर यदि हम अवकलन करते हैं तो 2x का हो जाएगा 2 और इसका 0 यहां पर dt बटा में dx यहां से हो जाएगा आपके पास dx बराबर dt by 2 गुणा है यहां पर क्या हो जाएगा भाग और इसके बाद i is equal to e की पावर t और dt के equal to dx के बराबर dt by 2 यहां पर dt by 2 1 upon 2 कॉमन लीजिए e की पावर t dt है और यहां से आप जानते हैं e की पावर t dt का फार्मूला होता है e की पावर t और प्लस कितना c मान रखिए e की पावर t का मान कितना है e की पावर 2x plus 3 और प्लस कितना c यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां से हमने देखा क्या कि आपके पास जो मान है हम सबसे पहले उसका अवकलन करते हैं उसके बाद क्या करते हैं समाकलन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। x बटा में e की पावर x स्क्वायर आइए देखते हैं समाकलन करने क्या करेंगे पहले समाकलन करने पर समाकलन करते हैं तो i बराबर x अपान e की पावर x स्क्वायर dx होता है यहां से हमने माना क्या माना x स्क्वायर बराबर t x स्क्वायर क्या मानते हैं t x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो x स्क्वायर का होता है 2x यहां पर होता है dt बटा में dx इसको इधर करिए x dx यहां पर हो जाएगा dt बटा में 2 यहां पर x dx जहां जहां है वहां dt by 2 और जहां आपके पास x स्क्वायर है वहां पर t यहां से हो गया e की पावर x dx के स्थान पर dt और अपान 2 को इधर करिए e की पावर यहां पर क्या हो जाएगा t यहां से आप
1 upon 2 e की पावर t को माइनस कर सकते हैं और क्या हो जाएगा dt। जब आपके पास माइनस हो तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और e की पावर माइनस t और प्लस कितना c। लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं 1 upon t और e की पावर माइनस t है तो नीचे जाएगा और e की पावर t के स्थान पर आपने रखा क्या है x स्क्वायर तो e की पावर x स्क्वायर प्लस कितना c। तो यहां से देखिए माइनस t है तो नीचे जाएगा वो हर में होगा x स्क्वायर t का मान क्या था x स्क्वायर यहां पर हमने क्या लिखा x स्क्वायर। तो यही आपके पास क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन कितने सरल है, क्वेश्चन सरल है बस उसको उसके पास जो फार्मूले है एक ही फार्मूले से देखिए हम एक नियम लगा रहे हैं और उसी नियम पर पूरे क्वेश्चनों को हमने 7.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप देखिए चाहे आपके पास 16 क्वेश्चन हो चाहे 17 हो या आपके पिछले वीडियो में हो हम हमेशा समाकलन ले रहे हैं फिर अवकलन कर रहे हैं फिर मान को घटाव कर रहे हैं उसके बाद उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है बस आपको एक से दो बार वीडियो को जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। e की पावर tan इनवर्स x अपान क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। यहां से हम करेंगे क्या सबसे पहले वही स्टेप पुराना समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो i बराबर e की पावर tan इनवर्स x अपान क्या 1 प्लस x स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा dx। आप करेंगे क्या कि देखिए अब यहां से हम देखते हैं कि क्या माने यहां से देखिए tan इनवर्स x है यहां पर वाला 1 प्लस x स्क्वायर आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन 1 upon 1 plus x square होता है इसलिए क्या मानेंगे tan inverse x मानेंगे। यहाँ पर हम करेंगे tan inverse x बराबर कितना t। यहाँ पर x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन x के सापेक्ष अवकलन तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा 1 upon 1 plus x square और dt बटा में dx। इसको इधर करते हैं तो 1 upon 1 plus x square dx बराबर dt। यहां से देखिए i बराबर आपके पास कितना आया e की पावर tan इनवर्स बराबर t रखेंगे और इसके बराबर कितना रखेंगे dt तो dt हो गया जहां इतना dx बराबर कितना dt रखते हैं और यहां पर हो गया e की पावर t plus c और t बराबर आपने माना क्या था e की पावर tan इनवर्स x plus कितना c तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या हुआ क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा था लेकिन आपके पास आंसर कितना छोटा आया और बहुत ही छोटे रूप में आया है ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं जहां नहीं समझ में आया कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका अगले वीडियो में आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।